अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जनाब चांद साहब? ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त। कितनी उम्र है आपकी? 12। 12 साल के जी। और आप बेटे कोमल? 14 साल जी। माशाल्लाह। तो ऊंचा बोलो ना यार। 14 साल के। 14 साल के, यानी आप बड़ी हुई, आप छोटी जी। कौन किसको मारता है ज्यादा? वो तंग करता मारती हूँ ज्यादा इसे। आप ज्यादा मारती हो? और तंग कौन किसको ज्यादा करता है? ये तंग करते हैं इस वजह से मारती। ये तंग करते हैं इसलिए मारता। मैंने देखा आपको पहले कहा कि वो तंग करता होगा। ये आपके अंदर ये इतनी तशखीसी सलाहियतें कहाँ से मौजूद? नहीं, वो मुझे मालूम। अच्छा आप मुझे बताएं, मैं तंग करती हूँ ज्यादा कि लोग मुझे ज्यादा तंग करते होंगे? मैं लोगों को ज्यादा तंग करती हूँ कि लोग मुझे ज्यादा तंग करते हैं? मुझे मुझे ये लगता है कि आप तंग करती हूँ। सारी टीम मेरी जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई है। इसे के साथ भी इससे 100% मुत्तफिक है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, ये हमारे आज के बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो कमाल अंदाज में परफॉर्म करते हैं तबला, और इतनी छोटी सी उम्र में आप इनकी महारत देखेंगे तो यकीन अंदाज देंगे। सो पहले हम शुरू कर लें छोटे मियां से, ठीक है? चले जनाब शाकिर साहब। मुकाबला होता है दोनों में आप लोगों में जी? कौन जीतता? यही जीतता जी। क्योंकि इसने पहले शुरू किया था ना, इस वजह से। अच्छा, और आपने अभी शुरू किया जी? आपने क्यों लेट शुरू किया? बस ऐसे। हाँ, मैंने खुद से सीखा है। आपको किसी ने सिखाया नहीं है? इसको सिखाया है जी? आपको नहीं सिखाया? नहीं, उस छोटे ने सिखाया होगा ना फिर इसको। नहीं नहीं नहीं, ये बजाता था ना तो मुझे बहुत शौक था। अच्छा, आपको देख मैंने इससे सीख। अरे वाह, तो फिर आप अभी क्या सुना रही हैं? अभी मैं आपको दादरा सुनाऊंगी। ठीक है, दादरा चले। इंस्ट्रूमेंट पता जी, लड़कियां जरा नफासत वाले काम उस पे हाथ रख के बैठ जाएंगी, सितार पे या इस तरह के काम कर लेंगी, या माइक हाथ में ले लिया, म्यूजिक गाना गाना शुरू कर लिया है। ये जो काम है ना, जो सही करने मुश्किल काम है, इनमें नहीं ख्वातीन आती ज्यादा, है ना? तो फिर आपने कैसे सोचा कि भाई ने करना है तो करता रहे, भाई तो और भी बड़ा कुछ जिंदगी में ऐसा करेगा जो मैंने नहीं कर सकती सारा? नहीं नहीं, मैंने इसलिए किया कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं करूँ ना। अच्छा, ये काम कोई नहीं कर सकता ना लड़कियों में, तो मैं क्यों ना करूँ? मैंने इस वजह से शुरू किया। क्या बात, और भी लड़कियां ताकि सीख सके ना, ये काम शुरू कर सके। अच्छा, तो जब आपको कोई सिखाता नहीं था और इसको सिखाते थे तो आपको फील नहीं होता था अंदर की मुझे क्यों नहीं सिखाते? होता था? हाँ होता था कि भाई को सिखाते हैं, मुझे क्यों नहीं सिखाते थे? सही। तो फिर आपने में जाना शुरू कर दिया। जबरदस्त, देखिए देखिए पाकिस्तान का टैलेंट है ये, है ना? और ये बड़ा मुश्किल साज है, बहुत मुश्किल, ये इस पे बड़ा मेहनत दरकार है। हमें तो फखर होना चाहिए कि मेरा मतलब ये इतनी कम उम्र में इतना अच्छा इन्होंने जो बजाया है। बिल्कुल, तो हमें क्या, पाकिस्तान को भी फखर होना चाहिए कि यार हमें फखर है। अब क्या सुनाओगे जनाब शाकिर साहब? जपताल। जपताल चले। अच्छा, अब आगे इरादा क्या है? शौकिया बजाना है या इसे प्रोफेशन बनाना है या संगत करनी है या सोलो परफॉर्मेंसेस करनी है?
बहुत ज्यादा इरादे हैं, बहुत ज्यादा ही कि आगे बढ़कर कुछ करना है। अगर शुरू किया है तो कुछ करके दिखाना है। अरे वाह जबरदस्त। तो वो क्या होगा जो करके दिखाना चाहती हो, मतलब कौन सा नाम है ऐसा जिस जैसा आप चाहती हो मेरा भी नाम हो और लोग ऐसे हजारों के मजमे में बैठे हों और मेरा तबला सुन रहे हो? ज्यादा तो गानों में लोग सुनते हैं ना, जैसे कोई बड़े बड़े सिंगरों के साथ भी जाना, ज्यादा तो यही होता है ना। तो संगत में आपका संगत अच्छा में तो किसके साथ आपको संगत की ख्वाहिश है कि इनके साथ हो? कोई ऐसे आप आर्टिस्ट डिजाइन में हो कि यार इसके साथ मुझे कहीं बजाने का मौका मिल जाए ना? मुझे इंडिया में ज्यादा सोनू निगम पसंद है तो मैं कहती हूँ उनमें ज्यादा उनके साथ। और आज जनाब मेहदी हसन। अब मेहदी हसन साहब तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो आप कोई और ढूंढो अभी जो मौजूद हो जिनके साथ आप बजा सको, उनके साथ तो हम उधर पहुंच कर ही अब बजाएंगे जो भी बजाएंगे, है ना जी। तो फिर मास्टर शरीफ जी वो गाते हैं, हारमोनियम प्ले करते हैं। अच्छा उन पर जाना जी। अच्छा तो अभी आपके उस्ताद हुए एक तरह से जी, है ना? एक, एक ये आपको सिखाता है एक तरीके की जोड़ी। मेरे को लग रहा है जनरेशन चेंज होती है, अभी बात हो रही थी मेरी इनसे, वो नाजी हसन और जोई बसंत थे। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंशाल्लाह उन्हीं की तरह नाम पैदा करेंगे बड़े होकर। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा अभी क्या सुनाने जा रही हैं आप? मुगलई। चले एक खातून, अब कंपैरिजन बड़ा अजीब सा है लेकिन एक खातून जो है वो कॉम्बैट फाइटर भी आ गई हैं। अच्छा यानी पाकिस्तान की खवातीन जो है वो कैसे फर्क फील्ड्स में और कैसे फर्क डिपार्टमेंट्स में जा रही है। तबले में भी अगर इमेजिन करें कि खातून पीछे तबले पे संगत कर रही हो तो कैसा खूबसूरत सा। अच्छा जो म्यूजिशियन हमेशा से नजरअंदाज होते रहे मुझे यकीन है कभी फिर नजरअंदाज नहीं होगा। कैमरा घूम घूम के जो है वो जाएगा हमारे म्यूजिशियंस के ऊपर भी। आपको लगता है पता ना म्यूजिशियन को हमारे यहाँ को इतनी हम नहीं इतनी अहमियत देते जितनी कि उसे मिलनी चाहिए जी। फिर भी आपका दिल चाहता है कि आप इसमें नाम बनाओ और मकाम बनाओ जी। अरे वाह जबरदस्त। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नाइन्थ में। और आप? सेवन्थ में। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि बाज लोग ना आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो इसके लिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें मौका मिले कि हम लोग बाहर जाके तपला बजाए तो उनसे बात करने का भी तरीका आना चाहिए। इस वजह से पढ़ाई को भी यानी बेसिक जो लाइन है जो काम है वो तबला है और आपने उसके साथ अपने सारे मामला जो है वो डेवलप करने। जबरदस्त, गॉड ब्लेस यू। अच्छा अब वक्त चुके हमारा खत्म हो रहा है, आखिरी एक परफॉर्मेंस जो है जिसमें आप दोनों भाई बहन मिलकर जो भी कुछ इकट्ठा क्या परफॉर्म करेंगे वो कहरवा करेंगे, चारों सुबह की आप हमें सुनाएंगे। अरे वाह आपका जनाब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आप टीवी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया सही कि आप याद कर लेते हैं। अरे जल्दी जल्दी कुछ सवाल कर लूं आपसे। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंडे को इंग्लिश में बोलते हैं एग। एग और अंडे के साथ अगर मुर्गी हो तो? अंडे की मम्मी। और आप तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे? अंडे की मम्मी। भैंस को फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे? भैंस को कहेंगे मिल्क पैक मम्मी, वो बच्चों को दूध पिलाते हैं ना। तो हर लैंग्वेज शामिल होनी चाहिए उसमें। तो यानी हम पे फिर तो रजाती हक तो भैंस का भी हो गया फिर तो हमें बहुत सारे मामला जो देखने पड़ जाएंगे। अच्छा ये बहन को क्या कहते हैं? बहन को तो सिस्टर कहेंगे। और भाई को? वो साथ हो गया तो ट्रांसिस्टर हो जाएगा जैसे ये दोनों बैठे हैं। और कल को क्या कहेंगे? कल को तो टुमारो कहेंगे। और परसों को टुमारो को एक और मारो। इस तरह भी कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू फॉर बात। थैंक यू हमेशा की तरह अधूरी बात। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जनाब। हमारे आज के दोनों खूबसूरत परफॉर्मर्स ये आपके सामने करेंगे परफॉर्म। मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, इसी दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। कोमल और शाकिर की खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आप लोगों की।
बलोची चलो।